टीम इंडिया इस समय अपने करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रही है और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज ड्रॉ करके अब 6 दिसंबर से एडिलेड के मैदान में टेस्ट मैच खेलने उतरेगी तो उसको अपनी बादशाहत कायम रखने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। बता दें कि टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया 116 अंकों के साथ नंबर 1 पर है तो वहीं इंग्लैंड 108 अंकों के साथ नंबर 2 पर पहुँच गई है, जबकि दक्षिण अफ्रीका 106 तीसरे, ऑस्ट्रेलिया 102 चौथे और न्यूजीलैंड 101 पांचवें नंबर पर हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ चारों टेस्ट मैच जीत जाता है और दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान को 3-0 से हराता तो दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत और इंग्लैंड दोनों के 108 अंक होंगे और दशमलव अंक तक गणना करने पर इंग्लैंड की टीम बेहतर स्थिति में होगी। बता दें कि अगर किसी भी सूरत में भारत ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराता है तो वह 120 अंकों के साथ अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखेगा। आपको बता दें कि टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच 6 दिसंबर से खेला जाएगा और इससे पहले भारत को अभ्यास मैच खेलना है। टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भारत को 3 मैचों की वनडे सीरीज में हिस्सा लेना है। अब देखना ये होगा कि टीम इंडिया अपना खेल किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।